भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला तो हो चुका है खत्म, अब बारी है दूसरे ओडीआई मुकाबले की, जहां इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सेकंड ओडीआई मैच 19 दिसंबर 2023 ट्यूजडे को खेला जाएगा कैनबरा के एसटी जॉर्ज पार्क स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 4:30 बजे से यानी कि 4:30 PM से दूसरा ओडीआई मुकाबला शुरू होने वाला है। अब दूसरे ओडीआई मुकाबले की टाइमिंग बदल चुकी है, जहां पहला वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन अब दूसरा ओडीआई मुकाबला शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा। अब यह मुकाबला काफी शानदार, काफी जबरदस्त होगा। भारतीय टीम ने पहले ओडीआई मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 116 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था और भारतीय टीम ने 16.4 ओवर में ही रन चेस कर लिया था। अब भारत की तरफ से सबसे शानदार प्रदर्शन हरदीप सिंह ने किया था, जिन्होंने 10 ओवर में 5 विकेट छटकाए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, जबकि अवेश खान ने भी 8 ओवर में 4 विकेट छटकाए थे। इसके अलावा भारत की तरफ से डेब्यू करते हुए साई सुदर्शन ने अपने पहले ही मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिया था, 55 रन की शानदार पारी खेली थी, नाबाद रहे थे। इसके अलावा अय्यर ने भी काफी जबरदस्त पारी खेली थी। भारत ने पहला ओडीआई मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त बना लिया इस 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में। अब यहां से साउथ अफ्रीका के लिए करो या मरो के मुकाबले बचे हैं, मस्ट विन मैचेस बचे हुए, क्योंकि अगर यहां से साउथ अफ्रीका एक भी मुकाबला और हारे तो साउथ अफ्रीका की टीम ओडीआई सीरीज गवा देगी, भारत अपने नाम कर लेगी यह ओडीआई श्रृंखला। टीम इंडिया को यह ओडीआई सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 ओडीआई मुकाबलों में से एक मुकाबला और जीतना होगा और साउथ अफ्रीका की टीम को यह सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 के दोनों ही मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, जो इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल दबाव दक्षिण अफ्रीका पर है, लेकिन दूसरे ओडीआई मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर दूसरे ओडीआई मुकाबले से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर दूसरा ओडीआई मुकाबला नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को सिर्फ पहले ओडीआई मुकाबले के लिए ही टीम में चुना गया था, अब दूसरा और तीसरा ओडीआई मुकाबला नहीं खेलेंगे, वो टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुड़ जाएंगे अभी से ही। अब चूंकि ये मुकाबला कैनबरा के एसटी जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा, तो इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी ज्यादा शर्मनाक है। टीम इंडिया ने 6 ओडीआई मुकाबले इस मैदान पर खेले, लेकिन भारतीय टीम को सिर्फ एक ही मैच में जीत मिली है और 5 मुकाबले टीम इंडिया हारी है, जबकि साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड इस मैदान पर बेहद ही शानदार है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैदान पर टोटल 35 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें से 21 मैच में शानदार जीत मिली है और 13 मुकाबले हारे और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। अगर हम बात करें इस मुकाबले की वेदर रिपोर्ट की, तो दूसरा ओडीआई मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा, तो वेदर फोरकास्ट के अनुसार 19 दिसंबर को कैनबरा में बारिश होने के कोई भी चांसेस नहीं है, 0% बारिश के चांस है। अब वीडियो में आगे इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, क्या आखिर पिच कैसा रहने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, जबकि इस मुकाबले के मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं, क्या आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, जबकि दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 आपको दिखाने और बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 19 दिसंबर को आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन होने जा रहा है, तो आईपीएल 2024 के ऑक्शन को लेकर सभी अपडेट्स की, कौन सा खिलाड़ी बिका, किस टीम ने खरीदा, कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड गए, उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। तो आईपीएल 2024 की नीलामी की हर अपडेट्स अगर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आईपीएल और क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है, यूट्यूब से पहले भी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो बात करते हैं दूसरे ओडीआई मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो दूसरा ओडीआई मुकाबला कैनबरा के एसटी जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा, तो इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 41 ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 20 ओडीआई मैच में जीत मिली है, तो वहीं चेस करने वाली टीम को 21 ओडीआई मैच में शानदार जीत मिली है। अब इस मैदान का एवरेज स्कोर, औसत स्कोर ओडीआई फॉर्मेट में 233 रन है, जबकि इस मैदान का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा स्कोर 335 रन है, जो कि पाकिस्तान ने बनाया था, और इस मैदान का सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा स्कोर 112 रन है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम 112 रन पर आउट हो गई थी। अगर बात की जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, क्या किसका प्रभाव भारी है, तो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 92 ओडीआई इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें से टीम इंडिया को 39 ओडीआई मैच में जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 50 ओडीआई मैच में शानदार जीत मिली है और 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका का प्रभाव भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की बढ़त पर है, टीम इंडिया पर उतना दबाव नहीं होगा जितना साउथ अफ्रीका टीम
पर होगा। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो दूसरे ओडीआई मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होगी। एज ओपनर नंबर एक पर ध्रुवराज गायकवाड़, नंबर दो पर साई सुदर्शन, ये दो ही करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी। नंबर तीन पर बड़ी चेंजेस होगी। अब चूंकि सरास अय्यर दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह पर टीम इंडिया के पास दो ऑप्शन है, एक रजत पाटीदार का और दूसरा रिंकू सिंह का, जिन्होंने T20 सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। तो इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। अगर रजत पाटीदार को खिलाया जाता है तो फिर वो थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, अगर रिंकू सिंह को खिलाया जाता है तो फिर लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, एक फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन मोस्ट लाइकली रजत पाटीदार के खेलने के चांस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे। बात करें नंबर चार के, तो नंबर चार पर होंगे तिलक वर्मा, तो वे नंबर पांच पर कप्तान KL राहुल और विकेट कीपर, जबकि नंबर छह पर संजू सैमसन, जहां संजू सैमसन काफी शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। नंबर सात पर होंगे अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर, तो वे नंबर आठ पर होंगे अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज, नंबर नौ पर अवेश खान, जबकि नंबर दस पर कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर, तो वे नंबर ग्यारह पर होंगे मुकेश कुमार। तो ये तो रही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए। बात करें दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर होंगे टोनी डिसोल्सी, नंबर दो पर रीजा हेंड्रिक्स, ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। नंबर तीन पर सईद फंदल दुसान, नंबर चार पर कप्तान एडन मार्करम, नंबर पांच पर हेनरी क्लासन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर छह पर डेविड मिलर, नंबर सात पर वियान मुल्डर, नंबर आठ पर एंजेली फिलिक वायो, नंबर नौ पर केशव मेहराज, नंबर दस पर नांद्रे बर्गर और नंबर ग्यारह पर तबरेज शमसी। थ्योरी इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। अब बात करें इस मुकाबले के मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या आखिर दूसरा ओडीआई मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। तो दूसरे ओडीआई मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन यह है कि टीम इंडिया दूसरा ओडीआई मुकाबला भी जीत सकती है, लेकिन जो टीम चेस करेगी उसके जीतने के चांस थोड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे साउथ अफ्रीका चेस करे या फिर भारतीय टीम चेस करे। पहले ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका ने सही से पिच को रीड नहीं किया था, टॉस जीतने के बाद भी सबसे बड़ी गलती कर दी पहले बल्लेबाजी करके, क्योंकि सबसे पहले तो गेंद काफी स्विंग होता है और गेंद जब लहराती है तो फिर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता है, और यही गलती साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने की थी। तो साउथ अफ्रीका अगर इस तरह की गलती नहीं करती है तो दूसरे ओडीआई मुकाबले में शानदार कमबैक कर सकती है। दूसरा ओडीआई मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम भी जीत सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस टीम में वो दमखम है।